नमस्कार, स्वागत है आपका एनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हाथियों के झुंड टाटीझरिया क्षेत्र में तबाही मचाने के बाद बुधवार की शाम को दारू प्रखंड के दारूडीह गांव पहुंचा और यहां भारी तबाही मचाई। झुंड में छोटे बड़े कुल 13 हाथी हैं और इनके आगे वन विभाग भी लाचार और बेबस नजर आ रहा है। हाथी सबसे पहले संतोष कुशवाहा और ओम प्रकाश के बाड़ी में लगे मकई और बादाम के फसल को नष्ट कर दिया। रंजीत कुमार की एक एकड़ में लगे बादाम मकई की फसल बर्बाद हो गई। वहीं रोहित कुमार, प्रमोद कुमार, शंकर महतो, अनिल महतो, मोती महतो, नारो महतो, महावीर महतो, संतोष कुमार, ओम प्रकाश, शंभु प्रसाद, बद्री प्रसाद, जय नारायण सत्यार्थी, महेंद्र यादव, गोपाल प्रसाद की फसल और चार दीवारी बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के कुछ सिपाही लोग आए थे। ग्रामीण अपने स्तर से टीन बजाकर और टॉर्च जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास रात भर करते रहे। हाथी हर साल आकर फसल, अनाज व घर को नुकसान पहुंचाते हैं, पर उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। हाथियों का झुंड फसलों को बर्बाद कर वापस दारूडीह के जंगल में ही चले गए हैं, इसलिए गुरुवार की रात्रि को फिर से उनके आने का डर ग्रामीणों को है। ग्रामीण अपने बीवी, बच्चों और परिजनों को लेकर चिंतित है कि जिस तरह से हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है, उससे कोई अनहोनी घटना न घट जाए। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजा दिलाने और हाथियों को क्षेत्र से दूर खदेड़ने की मांग की है। कितने बजे हाथी आए थे और कितना संख्या में थे? रात में लगभग में 10:30 बजे रात में हाथी दारूडी में पहुंचे थे और लगभग में 14 की संख्या में हाथी थे और पूरा है सो मक्का फसल, बादाम का फसल और लगभग में 15-20 आदमी का बाउंड्री और कम से कम 10 एकड़ में फसल बर्बाद कर दिया गया हाथी द्वारा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।